तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अब ये जो दिल्ली पुलिस में जो हेड कॉन्स्टेबल क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई, ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप अप्लाई तो कर लेते हैं, बट मौके पे आपको पता लगता है कि यार मेरे पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पूरी नॉलेज आपको देता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें और ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर दें। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो है आपके पास एक ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी, यदि आपने अपना ईमेल आईडी अभी तक नहीं बनाया है तो ईमेल आईडी आप बना लीजिए। मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी बनाने का तरीका बता रखा है, आप क्लिक करके जल्द से जल्द ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी को आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है फोटो की। ठीक है, आपका जो एक पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपको स्कैन करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको अपना एक सिग्नेचर है उसको भी स्कैन करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रखना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, मैं आपको बता दूं, जो इनका साइज है वो 100 से 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए, 100 से 200 KB के बीच में। और जो इसका फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप इसे सेव करेंगे वो JPG और JPEG होना चाहिए, JPG और JPEG। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप पूरा कर लीजिएगा। और अभी आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि मैं फोटो और सिग्नेचर को कैसे स्कैन करूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है कि आप कैसे अपने फोटो और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके कैसे मोबाइल या लैपटॉप में रख सकते हैं और उसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फोटो होगा आपका, उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, और जो भी आपने फोटो खिंचवाया हो वो कोई ऐसा ना हो किसी रंगीन चश्मे को पहन के खिंचवाया गया हो या किसी काले चश्मे को पहना के पहन के खिंचवाया गया हो। ठीक है, इस प्रकार से फोटो नहीं होना चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। और सिग्नेचर हो गया आपका, इसके बाद बारी आती है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, मैं आपको जैसे जो SC ST OBC के जो स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तो उसको भी आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। तो स्कैन का जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्मेट में ही आप इसे सेव करके अपने मोबाइल में रखेंगे। और अगर आप JPEG या JPEG में हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको इसको PDF फॉर्मेट में ही कैच करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो EWS सर्टिफिकेट, जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं। ठीक है, जो लोग इकोनॉमिक वीकर हैं और जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तो उस सर्टिफिकेट को भी आपको अपने मोबाइल में रखना है PDF फॉर्मेट में। ठीक है, स्कैन करके, तो ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका 10th का सर्टिफिकेट है और 12th का सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए, और ये दोनों भी PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। क्योंकि हम पहले क्या होता है कि स्कैन करा के रख लेते हैं, JPEG में होता है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते होंगे तो ये PDF फॉर्मेट मांगेगा और JPEG एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर आपको टेंशन होगी यार मैं कैसे इसे चेंज करूँ, कैसे इसे चेंज करूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा उस लिंक को देख लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं और जिस फॉर्मेट में करने हैं स्कैन करके फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो JPEG के दो हैं आपको फोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा देखिए नीचे आते हैं और आपको एक लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि व्हाइट कलर के जो आपका कागज है उस पर अपना जो भी लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसका निशान लगाना पड़ेगा, चाहे वो ब्लैक पेन से हो चाहे ब्लू पेन से हो। ठीक है, इसको भी स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा। और एक वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए, जो आपकी इस भर्ती पूर्व भर्ती को पूरी होने के तक आपके पास जरूर रहे, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक या दो मोबाइल नंबर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दो मोबाइल नंबर इस फॉर्म में मांगे जा रहे हैं। यदि ईमेल आईडी भी दो है तो भी बहुत अच्छा है, एक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, बस यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आज इसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन कैसे नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मेरे वीडियो में, और ऑनलाइन कैसे इसके बाद अप्लाई करना है A to Z पूरी स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी मैंने दी है, उसके भी वीडियो में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और फोटो स्कैन करने का भी दे रखा है, ईमेल आईडी बनाने का भी दे रखा है, तो एवरीथिंग आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो लेता हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आपको पहले दिन ही उसकी जानकारी मिले। ओके फ्रेंड, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।